हेलो गाइज, टेक्निकल खान साहब में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो टिकटॉक पर बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने नाम का या अपने लोगों का या अपने फोटो का इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको काइन मास्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से काइन मास्टर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज क्या करना है, हमें काइन मास्टर ओपन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काइन मास्टर ओपन किया है। और ओपन करने के बाद गाइज क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 16:9 वाले आइकन के यहाँ से देन सेलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद गाइज क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इस मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एक बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, हम यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिए। देन इस वीडियो के मुताबिक बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा वीडियो एडिटिंग करना चाहते उतना बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएंगे, उसके बाद इस लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर इस मीडिया पर। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को ऐड कर लेंगे। और देन ऐड करने के बाद क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है और इस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ऑफ है, तो हम ये फर्स्ट वाला आइकन यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो देखिए, हमारा वीडियो जो है इसमें पूरा एडजस्ट हो गया है ऐसे। अब उसके बाद गाइज क्या करना है, हमें यहाँ पर आ जाना है एंड में, और यहाँ से जो इसका अदर पार्ट है यहाँ से हमें इस पर क्लिक करना है और कैंची वाला आइकन पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है। और इसे भी बैकग्राउंड को कैंची वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे। तो देखिए, ये कट गया। उसके बाद गाइज क्या करना है, हमें यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये क्रोमा की का आइकन दिख रहा है, इस पर आएंगे और देन ये इसे इनेबल कर देंगे। और इनेबल करने के बाद गाइज क्या करना है, हमें ये जो की कलर दिख रहा है यहाँ से, हमें ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो हमें ग्रीन स्क्रीन की कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है यहाँ पे, इसका ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो है यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। उसके बाद हमें इसे ऐसे एडजस्ट कर लेना है ऐसे, और देन इसके बाद यस कर देना है। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पर फर्स्ट में, ये देखिए 3:2:1। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, देखिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आएंगे 5:9 पे। उसके बाद इस लेयर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और इस मीडिया पे। और उसके बाद इसमें आप जो फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, फ़ोटो या अपने चैनल का लोगो या अपना नाम, आप जो मतलब ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, हम आपको एक फ़ोटो ही यहाँ पर ले दिखा देता हूँ। तो देन मैं यहाँ से एक फ़ोटो आपको लेके दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैं कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ये वाला फ़ोटो यहाँ से देन सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इस पे आएंगे और यहाँ पे क्रॉपिंग वाला दिख रहा है, इस पे आएंगे और इसे हमें क्रॉपिंग कर देंगे ऐसे, और इसे भी ऐसे क्रॉपिंग कर देंगे। देन इसके बाद यस कर देंगे। उसके बाद गाइज क्या करना है, इसे हमें ऐसे बड़ा कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे जो ये फ़ोटो है कुछ इस तरह का इसमें एडजस्ट हो गया है, ये इस तरह का ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे एंड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है फ़ोटो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन देना चाहते हैं गाइज, तो हमें क्या करना है, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और फिर इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर इसे हमें डुप्लीकेट कर देना है। अब उसके बाद गाइज हमें इस डुप्लीकेट वाले पे आएंगे और यहाँ से आ जाएंगे कलर फिल्टर में, और यहाँ से आप जो कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहाँ से। तो मैं चलिए आपको ये कलर दिखा देता हूँ सिलेक्ट करके, नहीं ये नहीं लेंगे, चलिए यही ले लेते हैं। और देन उसके बाद क्या करना है, हमें इसी पे क्लिक करना है और ओवर एनिमेशन पे आ जाना है और ये पल्स कर देना है ऐसे।
अब उसके बाद गाइज क्या करना है हमें इस थ्री डॉट वीडियो पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे फिर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे ऐसे। अब उसके बाद इस इमेज पे भी क्लिक करेंगे और इसे फ्रंट कर लेंगे ऐसे और फिर इस पे क्लिक करेंगे वीडियो पे और फिर इसे थ्री डॉट पे फिर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे ऐसे। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है इसका। अब आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कलर फिल्टर में। तो ये हमारा कुछ खास नहीं लग रहा है तो यहाँ से इसको चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं ये वाला रहने देता हूँ ये वाला। और यहाँ पे आ जाएंगे कलर एडजस्टमेंट में और इसका जो कलर है हल्का सा बढ़ा देंगे देने से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमारा वीडियो जो है बन के तैयार हो गया यहाँ पे। चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।